नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदी भाई हर से सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह रायसर आज यहां पर जो विषय है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं गणित, ठीक है। और आज हमारा नया चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है सांख्यिकी, है ना। और यानी कि हमें आंकड़ों के बारे में हमको पढ़ना है, क्लास सिक्स की ये हमारी कक्षा छः की जो है वो क्लास है हमारी, ठीक है। अगर लेक्चर की बात की जाए तो ये मेरा 18वां लेक्चर है, इससे पहले मैंने 17 लेक्चर और अपलोड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। और जितने बच्चे भी हैं इस चैप्टर से, बहुत अच्छे से आप, नया चैप्टर शुरू हो रहा है तो आप चीज़ों को थोड़ा समझने का प्रयास करें, ठीक है बच्चा। आगे चलते हैं, ये मेरा YouTube चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई वीडियो डाला करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा, इससे कोई भी वीडियो जो है बच्चा वो आपकी मिस नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो चैप्टर है हमारा है सांख्यिकी, है ना। सांख्यिकी के बारे में पढ़ना, आप सांख्यिकी मामले में पढ़ेंगे क्या, आखिर सांख्यिकी आंकड़े और उनकी विशेषताएँ क्या होती हैं, आंकड़ों को एकत्र करना, व्यवस्थित करना, उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, और अवर्गीकृत आंकड़ों को बारंबारता कैसे निकाली जाती है, अवर्गीकृत आंकड़ों के चित्रग्राफ कैसे बनाए जाते हैं जिन्हें पिक्टोग्राफ भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद अवर्गीकृत आंकड़ों के दंड आरेख जिन्हें बार ग्राफ कहते हैं वो भी बनाना सीखेंगे हम लोग। और लास्ट जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो हमारा होगा अवर्गीकृत आंकड़ों का मिश्रित दंड आरेख बनाना तथा उनकी व्याख्या करना, ठीक है। यहाँ पर पहले तो मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं एक्सरसाइज पे आपको ले चलूँगा ताकि आपको चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ सकें, ठीक है। देखो बच्चा, हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग मैथ्स के शौकीन हों, ज़्यादातर क्योंकि ये फेवरेट गेम रहता है ज़्यादातर लोगों का, बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं क्रिकेट को, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई गेंदबाज हैं, ठीक है, ब्रेकर नाम है इनका, है ना। और इन गेंदबाज ने अपने 10 ओवर डाले हैं वनडे सर्कल के, और 10 ओवर में इन्होंने मैडन ओवर 3 निकाले हैं। मैडन ओवर का मतलब जिसमें कोई भी रन नहीं जाता, एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं, ठीक है ना। अगर उसमें कोई रन नहीं जाए तो उसको मैडन ओवर कहा जाता है, और दिए गए रन जो हैं वो 54 हैं, यानी कि 10 ओवर इन्होंने फेंके हैं जिनमें 3 इनके मैडन हैं और 54 रन इन्होंने दिए हैं। और अगर विकेट की बात की जाए बच्चा, तो इन्होंने 2 विकेट लिए हैं अपने 10 ओवर में, इन्होंने 2 बल्लेबाज को आउट किया है, ठीक है। अब ऐसे ही क्या है, यहाँ पर आंकड़ा आपको दिया जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर संख्याओं का आंकड़ा जो है वो एकत्रित किया जा रहा है, किया जा रहा है कि इन्होंने कितने ओवर डाले हैं। जैसे मान लीजिए आप स्कूल आते हैं, स्कूल का आंकड़ा रहता है कि आपने कितनी प्रेजेंटी हैं, कितनी एबसेंटी हैं, है ना। फिर उनका परसेंट निकाला जाता है, वैसे भी आपको आगे क्वालिफाई करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए आपके 75% जो है ना वो आपकी होनी चाहिए, यानी कि 75% आपकी प्रेजेंटी जो है वो होनी चाहिए, तभी आप परीक्षा में बैठने के लिए, सम्मिलित होने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, ब्रैडली जो हैं उन्होंने भी क्या 10 ओवर डाले हैं, एक मेडल निकाला है, उन्होंने 58 रन दिए हैं, इनसे ज़्यादा रन दिए हैं, और एक ही विकेट लिया। ऐसे ईशांत शर्मा हैं, मलिंगा हैं, है ना, जॉनसन हैं, यहाँ पर हिंदुस्तानी भी ईशांत जो हैं, ईशांत शर्मा के बारे में सुना होगा शायद, ये गेंदबाज हैं, ठीक है। हालांकि अभी ये क्रिकेट टीम में नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, अब जो नए चेहरे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, तो नाम ज़रूर सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। अगर आप मैच के शौकीन हैं तो, ज़रूरी नहीं कि सभी मैच के शौकीन हों जैसे कि मैं हूँ, लेकिन ये तो नहीं कि आप भी उसके शौकीन हो। तो हमको समझना है क्या है वो समझो, सांख्यिकी है क्या, असल में हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा डेटा जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, है ना, और उसकी एक टेबल बना ली हमने, यानी कि हम संख्याओं के आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भारत में बोले लिटरेसी कितनी है, साक्षरता दर कितनी है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपने देखा होगा बोले हमने कहा कि 72% है इस राज्य की साक्षरता, इसका मतलब है कि इस राज्य में जो है वो 100 में से परसेंट, क्योंकि 100 आधार होता है, 100 में से 72 लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। अगर साक्षरता की बात की जाए, जैसे अगर मान ले किसी राज्य की साक्षरता जो है वो 72% है, इसका मतलब 100 में से 72 लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, यानी कि हम समझ गए ये आंकड़ों को डेटा इकट्ठा करना है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, ये बल्लेबाज हो गए हमारे, है ना, इन्होंने 71 रन बनाए जिसमें खेली गई गेंदें कितनी है, 62 गेंदें इन्होंने खेली हैं, और 62 में इन्होंने 71 रन बनाए हैं, और समय ये क्रीज पर टिके रहे, यानी कि जब ये खेल रहे थे उस समय मैदान में इन्होंने 55 मिनट बताया अपना, ठीक है। और ऐसे सचिन की बात की जाए तो इन्होंने 70 रन बनाए हैं, है ना, 76 बॉलें खेली हैं, और यहाँ पर अगर समय की बात की जाए तो इन्होंने 65 मिनट का समय लिया है। धोनी, है ना, इनके बारे में क्या कहें, इन्होंने भारत को बहुत सारे रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप जिताया, बहुत T20 वर्ल्ड कप दिखाया, और बहुत सारे मतलब इन्होंने रिकॉर्ड बना के गए हैं, इंडियन टीम के लिए देश का जो नाम है वो
इंडिया टीम का जो नाम है वो विश्व में बहुत अच्छे मतलब नंबर वन पोजीशन पर अगर हम कहें तो इनके समय में नंबर वन पर रही इंडिया टीम और बहुत सारे रिकॉर्ड इन्होंने बनाए, ठीक है। और इनकी कप्तानी भी आपको पता ही होगा, अगर आप मैच के शौकीन हैं तो बहुत अच्छी कप्तानी करते हैं, ठीक है, मेरे भी फेवरेट हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। संगाकारा की अगर बात किया तो 78 है ना, इन्होंने क्या रन बनाए जिनमें 81 बॉल खेली इन्होंने और 60। तो हम ये कर क्या रहे हैं पहले हमको ये समझना है। हम जो है ना, हम बेटा संख्याओं को इकट्ठा कर रहे हैं, आंकड़े जुटा रहे हैं। क्या जुटा रहे हैं? आंकड़े। अब हमने माना कि कुल कितने रन बने, बोले 294, गेंदें कितनी खेलेंगे उसका यहाँ पर टोटल कर लेंगे, समय कितना रहा सभी लोग मिला के तो ये इतने मिनट रहे। तो हम संख्याओं का डेटा जो है यानी कि आंकड़ा जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, देखिए आंकड़े, हाँ आप देखिए आंकड़े जो है ना वो संख्याओं के संग्रह हैं। संग्रह का मतलब उनका इकट्ठा रूप है ना, जो सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। आंकड़े क्यों इकट्ठे किए जाते हैं? ताकि वो हमको सूचना दे सके किस बारे में है, कैसे आंकड़े हैं वो आपके है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार के आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। किसी निश्चित उद्देश्य में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। अगर आंकड़े की बात करें तो परिवर्तनशील होते हैं, मान लीजिए 6 गेंदें हमने खेली, 5 गेंदें उन्होंने खेली, तो ये बदलते रहते हैं, ठीक है। सजातीय आंकड़े होने पर ही तुलना करके निष्कर्ष निकल जाता है, अगर वो एक से आंकड़े हैं तो ही उनमें तुलना की जा सकती है। अगला क्या, आंकड़े सदैव समूह में एकत्र किए जाते हैं, बहुत सारी संख्याएं होती है ना फिर उसको आंकड़ा बना निकालते हैं। और अगर बात की जाए आंकड़े सदैव संख्यात्मक राशि में ही होते हैं, यानी कि ये संख्या हो गई कोई, ठीक है ना, हमेशा संख्यात्मक राशि में ही ली जाती है जिन्हें हम गिन सकें, ठीक है। जिन स्रोतों में प्रथम बार आंकड़े एकत्र किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक स्रोत कहते हैं, और जिन स्रोतों से पहले से उपलब्ध आंकड़ों को वांछित आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम लोग द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। यानी कि सबसे पहले जो जुटाए जाते हैं वो आपके प्राथमिक आंकड़े होते हैं और जो बाद में जुटाए जाते हैं वो आपके द्वितीयक आंकड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वही हमने आपको बता दिया कि पहले जो इकट्ठे किए जाते हैं आंकड़े वो प्राथमिक और दूसरी बार जो इकट्ठे किए जाते हैं वो आपके द्वितीयक होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखो फिर से एक टेबल हमने आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर क्रम संख्या लिखी है ना, और ये क्या हो गया, ये आपका नाम हो गया आशीष, ठीक है। अमिता है, मनीष है, नीरज है, दीप्ति है, इन्होंने 50 में से अंक प्राप्त किए हैं, ये बहुत होशियार है भाई, है ना। आशीष इन्होंने 50 में से 50 अंक प्राप्त किए हैं। अमिता की बात की जाए तो इन्होंने 48 अंक प्राप्त किए हैं। मनीष ने 45 अंक प्राप्त किए हैं। नीरज ने 42, दीप्ति ने कितने आपके 40, सलमान ने 38, रहमान ने 32, अजय ने आपके 30, अरमान ने आपके 27 और नेहा ने आपके 26 आंकड़े, मतलब अंक जो है वो 50 का पेपर हुआ तो उन्होंने इतने क्या किया मतलब इकट्ठे किए रहे अपने अंक जो है इतने प्राप्त किए, ठीक है। तो हम ये समझ गए कि आंकड़े मतलब संख्याओं का संग्रह है, ठीक है। अब हमको क्या सीखना है, ये सीखना है कि टैली चिन्ह क्या होते हैं। ये जो बेटा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो मार्क होते हैं ऐसे डंडे खींच के, अभी हाल ऐसे डंडे खींच के ना, ये टैली अंक होते हैं। क्या होते हैं? टैली अंक। अब टैली अंक निकाले कैसे आते हैं, मान लीजिए भोजन की सूची है और ये विद्यार्थियों की हमारी संख्या है, ठीक है। इस संख्या में हमको क्या करना है, हमको आंकड़े इकट्ठे करना है, ठीक है। अब उन आंकड़ों में हम लोग क्या करेंगे, टैली चिन्ह निकाले कैसे जाते हैं हम लोग वो पता करेंगे, ठीक है। टैली चिन्ह में सबसे पहले आपको 4 डंडे खींचने होते हैं और अगर पांचवा जो है वो आप ऐसा नहीं खींचेंगे, आप क्या करेंगे, पांचवा जो होगा ना आपका उसको आप लोग ऐसे क्रॉस कर दिया करेंगे, यानी कि ये 5 का पूरा एक समूह होता है, ठीक है। टैली चिन्ह जो होते हैं वो 5 का क्या होता है, एक समूह होता है। मान लीजिए हमको 12 के बनाना है, 12 का हमको टैली चिन्ह में बना, 12 जो है इसको टैली चिन्ह में लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4, अब 5 नहीं खींचेंगे तो पांचवा में ऐसे करेंगे, 5 हो गए हमारे, ठीक है, 6 7 8 9, उसके बाद हम लोग ऐसे क्रॉस कर देंगे, 10 हो गए हमारे और ये 11 हो गया और ये 12 हो गया। ऐसे हम किसी भी जो भी आपके टैली अंक होते हैं ना उनको ऐसे ही निकाला जाता है। मान लीजिए हमको 15 के टैली अंक में आपको निकालना है, मान तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 11 12 13 14 और 1 ये 15, यानी कि हमको ये समझ में आ गया ना टैली अंक जो है वो कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं, यहाँ पर भी आपको टैली अंक ही हमने आपको सारणी यहाँ पर प्रस्तुत की है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए बेटा चलते हैं, अब यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर ये जानेंगे कि सारणी से हमको प्राप्त क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये तो पता ही होगा कि जिसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें नीले रंग की, तो नीले रंग के फ्रिजों की संख्या 6 है, लाल रंग के फ्रिजों की संख्या 12 हो गई, सफ़ेद रंग के फ्रिजों की संख्या 14 है, स्लेटी रंग के जो होते हैं वो आपके 18 हो गए, ठीक है। आगे देखो बच्चा, चलिए हम लोग जल्दी से चलते हैं अपने, हाँ एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए, आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने के लिए सर्वप्रथम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, यानी कि
जैसे मान लीजिए अब 7, 6, 2 और 3 लिखा है, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए पहले हम सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं, यानी कि इन चारों में अगर सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो 2 होगा, तो सबसे पहले 2 को लिख देंगे, फिर उससे बड़ी यानी कि 3, उससे बड़ी यानी कि 6 और उससे बड़ी यानी कि 7। तो ये आपका हो गया आरोही क्रम। अब अवरोही क्रम में क्या होता है, हम संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखते हैं, यानी कि पहले सबसे बड़ी लिखते हैं, उसके बाद बेटा छोटी, फिर और छोटी और फिर सबसे छोटी, ठीक है ना। ये तरीका होता है आरोही क्रम बढ़ता हुआ, अवरोही क्रम जो होता है बच्चा वो आपका घटता हुआ होता है, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं, अब यहाँ पर हमारी शुरू होती है एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज में यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या आपको दी जा रही है। ये 10 परिवारों के सदस्यों की संख्या है, जैसे कि 8 यहाँ पर दिया जा रहा है, 6, 3, 2 है ना, 4, 5, 9, 7, 3, 6 है ना। तो इसमें हमको क्या करना है, हमको लिखना है बच्चा इसका आरोही क्रम। तो आरोही क्रम कैसे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। तो इन सब में सबसे छोटी संख्या की अगर बात की जाए तो बच्चा हमारी 2 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारी 3 आती है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए इन्हीं में से आपको छांटना, अलग से नहीं लिखना है। 4, 5 हमारा है, हाँ है, 6 हमारा हो तो लिख दीजिए, हाँ है। और 6 जो है वो बच्चा 2 बार है, एक देखिए यहाँ पर है और एक अभी आपका यहाँ पर, तो 6 और 6 हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हमारा 7 है तो लिख दीजिए, हाँ है, ठीक है। उसके बाद हमारा 8 है तो लिख दीजिए, जी 8 हो गए। उसके बाद हमारा 9 है। उम्मीद है कि 10 आंकड़े आपके हो गए हैं, संख्याएं 10 थी, 10 हम लोग गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हुआ, यानी कि एक कोई संख्या भी मिस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 जो थे शायद 2 बार थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम इसको इरेज कर देते हैं, एक मिनट थोड़ा रुकिए। यहाँ पर देखिए ये जो आपको 3 दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ यहाँ पर ये 3 2 बार है बच्चा, तो हम इसको 3 को है ना, तो हम 2 बार लिखेंगे यहाँ पर 3 यहाँ पर। अब हमारे 10 आंकड़े हो गए और ये संख्याओं का हो गया हमका हमारा आरोही क्रम, ठीक है। चलिए बेटा चलते हैं आगे, और यहाँ पर भी देखिए हमको आरोही क्रम करना है। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई संख्या 2 बार होती है तो आप उनको 2 बार लिखेंगे, 3 बार होती है तो आप उनको 3 बार लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे आरोही क्रम कैसे लिखना है, पर सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ठीक है ना, इस क्रम में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन भी है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। बहुत सरल क्वेश्चन, आप आसानी से इनको कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 10 बालिकाओं की कोई प्राप्तांक है, इसको भी बेटा आपको क्या लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। ध्यान दें, अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर सबसे छोटी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम, ठीक है। ये आपको ही करने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आप जितना बेहतर तरीके से प्रिपरेशन अपनी करेंगे उतना बेहतर आपको अच्छा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक ग्राम सभा में मनरेगा के अंतर्गत जो 20 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, इन 20 व्यक्तियों को एक माह में दिए गए कार्य की संख्या जो है वो यहाँ पर दी जा रही है, और इनके जो आंकड़े आपको दिए गए हैं ना 10 दिन में, है ना, इनको बच्चा आपको अवरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है, इनको आप लोग लिखेंगे अवरोही क्रम में, ठीक है। ये ध्यान रखें आप लोग, अवरोही क्रम मतलब समझते हैं ना, पहले सबसे कैसा रखेंगे आप लोग, छोटी है ना, सॉरी बड़ी रखेंगे अवरोही क्रम में, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद छोटी, और उसके बाद फिर और छोटी। अब आप लोग करें कैसे करें, हमेशा संख्याओं में भूल जाएंगे आप, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, काट दिया करें। जैसे मान लीजिए हमको चौथे का, मान लीजिए हम इसको बताते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दें। अवरोही क्रम में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या छांटे यहाँ पर, तो सबसे बड़ी संख्या मुझे ऐसा लगता है कि सब में ये 25 है, ठीक है ना। तो आप लोग जब भी लिखें तो 25 को काट दिया करें, ताकि हमें याद रहे कि हाँ ये संख्या हो गई, तो हम लोग पहले 25 को लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इससे छोटी बेटा 24, बिल्कुल 24 लिख देंगे हम लोग। उसके बाद हमारा देखिए 23 शायद नहीं दिख रही है हमें, है ना, 22 भी नहीं है, और उसके बाद हमारी आती है 21, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर है, ठीक है, 21 लिख देंगे। उसके बाद आ जाओ बच्चा 20 हमारी नहीं है पूरे आंकड़ों में, फिर आपका 19 है ना, तो 19 को हम लोग बच्चा लिख देंगे, और जिसको लिखें आप उसको काटते रहें, ताकि आपको याद रहे कि ये संख्या आप लिख चुके हैं, ठीक। उसके बाद बच्चा हमारा देखिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि 17 है, ठीक है, आप लोग भी थोड़ा साथ में करते रहेंगे, ठीक है। और 16 शायद हमारा 2 बार है, एक तो यहाँ पर 16 है और एक यहाँ पर 16 है, तो 16 और 16 2 बार लिखेंगे हम। इसके बाद बच्चा हमारा आएगा देखिए 15 को, बिल्कुल लिख देंगे हम लोग 15। उसके बाद 12 देखिए आप, ठीक है ना,
और कोई संख्या तो है नहीं, तो 12 एक बार, दो बार, और देखिए कहीं है, जी हाँ तीन बार है, तो 12 फिर 12 फिर आपका 12, ठीक है। उसके बाद बच्चा हम लोग 11 को देखेंगे, 11 कितने बार है, अगर एक बार हो तो एक बार लिखेंगे, एक और एक दो, तो ये हमारा 11 जो है बच्चा वो हमारा दो बार हो गया, ठीक है। अब हमारा बचता है 9, 9 देखिए कितने बार है, तो शायद 9 एक और एक दो, हाँ दो बार है बिल्कुल, ठीक है, दो और दो। उसके बाद हमारा बच्चा नंबर आता है 8 का, अब ज़रा 8 देखिए, 8 आपको दिया जा रहा है, बिल्कुल दिया जा रहा है, एक है ना, दो और एक हमारा 3, तो यहाँ पर 8 और ये हमारा हो गया 8, ठीक है, शायद दो ही तीन ही बार था ना, हाँ देख लेना एक बार, कहीं कोई मिस ना हो जाए, कार्ड तो वैसे हमने दिए थे, और ये आपका 8 हो गया। अब उसके बाद बच्चा हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद 7 है तो 7 को कर दीजिए, उसके बाद 3 है तो 3 को कर दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर ये हमारा बच्चा शुरू होता है अवरोही क्रम। अब यहाँ पर आप कोई संख्या भूल गए, आप कैसे पता करेंगे, तो यहाँ संख्या को गिन लिया करो आप, जितनी संख्याएँ यहाँ पर हैं उतनी संख्याएँ बेटा आपकी यहाँ पर होंगी, तो ये आपको बच्चा याद रखना है, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया ना। चलिए बेटा, यहाँ पर उम्मीद है कि फोरम में इतने ही सवाल थे आपके, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप ना इसको अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें पढ़ाई में, और अपन को फेयर में कायदे से करते रहें, उम्मीद है कि लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपने वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, धन्यवाद।